नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार कटरी, आप देख रहे हैं। आज जनपद कन्नौज से एक और बड़ा खुलासा। जनपद कन्नौज से ग्राम पंचायत चपुन्ना के लालसा नगरिया में एक महिला से आवास के नाम पर 15,000 रुपए लिए, जिसको अभी तक आवास नहीं दिया है। ग्राम प्रधान से जब कहते हैं तो ना तो आवास दिया है, ना तो अभी तक रुपए दिए है। दिव्यांग व्यक्ति की पत्नी किराए पर कर रही है गुजर बसर। जब किराए के मकानदार ने कहा कि अब हमारा मकान खाली करिए, तो किराएदार अपना मकान खाली करवाएंगे। उसी चक्कर में दिव्यांग व्यक्ति की पत्नी ने अपना 4 बीघा खेत बेचकर तब अपना मकान बनवाया है। आइए आपको सुनाते हैं दिव्यांग व्यक्ति की पत्नी की आवाज। क्या नाम आपका? हमारा नाम तो बीना है। क्या समस्या है पूरी? समस्या हमारी बहुत मतलब खराब है। पति हमारे देखो 10 साल से इनकी ये पोजीशन है जी। बच्चा छोटे छोटे थे जी, अब हम कुछ कह नहीं सका जी, हमारी पोजीशन खराब है जी। आपके पति है? हाँ। आप किस मकान में रह रही हो? हम दूसरे के मकान में रह रहे। प्रधान जी ने आपको आवास नहीं दिया? नहीं दिया। आपने उनसे कहा नहीं हम हमारे पास रहने? कहा है हमसे 15,000 हाँ रुपए भी ले लिए, हमने ब्याज पे 5 रुपए के ब्याज पे रुपए लेके दिए। हाँ आवास भी नहीं हमको मिला। रुपए भी ले लिए? रुपए भी ले लिए। वापसी नहीं की अभी? आपने कहा था उनसे? बहुत बार कहा। मेरी जगह भी ले ली। रुपए किस बात के लिए? आवास के बारे में। तुम्हें आवास देंगे? हाँ। अब आप इस समय किस मकान में रह रही? दूसरे एक मकान में रह रहे, वो भी हमसे रोज गाली गलौज करते हैं जी। इसकी शिकायत नहीं आपने किसी पुलिस थाने या कहीं अधिकारी से की? सबसे की शिकायत, कोई नहीं सुन रहा है। कन्नौज लखनऊ हमारी जगह गई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं। जब बिल्कुल गिरी हो मकान हमारो, तो हमने दूसरे मकान में, तब हमारे पास कोई जब कोई चारा नहीं, 4 साल हमने इंतजार करो। हाँ। प्रधान को जब कोई हमें मतलब नहीं, तो हमने अपना खेत बेच, 4 बीघा हमारे पास खेत, उसमें से हमने खेत बेच के अपने मतलब जो है थोड़ा बनवाओ। आपने खेत बेच दिया, लड़का बच्चा कैसे पलेंगे? अब क्या करें, मजबूरी हमारी।